और फर्स्ट इंडिया के खुलासे का फिर असर देखने को मिला है। 7 अप्रैल को फर्स्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए हवाला और सट्टा कारोबार का खुलासा किया था। ऑपरेशन लोटस 365 में दिखाया था कि कैसे दुबई में बैठकर करोड़पति बनाने के सपने दिखाए जाते हैं और फिर युवाओं को कंगाल कर दिया जाता है। ये सब ऑनलाइन होता है। पिंक सिटी से लेकर दुबई तक हवाला कारोबार के तार जुड़े हैं। जब हमने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी तो कुछ चौंका देने वाले सच भी सामने आए। पता चला कि लोटस 365 का मायाजाल पूरे इंटरनेट में फैला है। इनके डिजिटल टीम गूगल एड से लेकर फेसबुक और हर सोशल मीडिया पर ग्राहक ढूंढती नजर आ रही है। वहीं हमें कुछ ऐसे भी पीड़ित भी नजर आए जिन्होंने सट्टे में अच्छा पैसा जीता तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई और उनका मेहनत का सारा पैसा पर्दे के पीछे बैठे ये अजनबी ठग पूरी तरह से खा गए। लोटस 365 भ्रामक विज्ञापनों के जरिए युवाओं को शिकार बनाने में लगा है। कंपनी फिल्मी स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर युवाओं को आकर्षित कर रही है। सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कई फिल्म अभिनेत्री लोटस 365 के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। इन ब्रांड एम्बेसडर के सहारे आए दिन लाखों करोड़ों को चूना लगा रही है। फर्स्ट इंडिया के खुलासे के बाद पुलिस ने भी एक्शन की तैयारी कर ली। जयपुर पुलिस जल्द ही मामले में कार्रवाई भी कर सकती है। बिल्कुल, ये ऑनलाइन गेमिंग एक तरह का अपराध है, दो लोगों के साथ धोखाधड़ी है। इसमें दो तरह से लोगों को, एक तो जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह की चीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, और दूसरा जो भी परिवादी संबंधित थाना क्षेत्र पर पहुंचता है तो अविलंब उसके के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ताकि इस पर पूर्णतः रोकथाम लगाई जा सके आयुक्तालय क्षेत्र के लिए। सर, विशेष परकोटे में जो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग के जो अधिकारी हैं परकोटे में बैठकर, हालांकि जो मालिक हैं वो तो बाहर विदेश में है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है केवल एक डर नहीं चल रहा, तो जो परिवादी है उस तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि परकोटे में विशेष परकोटे में इसका लोटस नाम से पूछा था इसका भाई। परिवादी को इसमें संबंधित थाने में अविलंब सूचना दर्ज करानी चाहिए, उसके बाद पुलिस अनुसंधान के अंदर वो अपराधी चाहे यहाँ पर है चाहे जयपुर से बाहर किसी अन्य स्थान बैठ कर कोऑर्डिनेट कर रहा है तो उसको चेन बना करके एविडेंस जुटा करके उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी ताकि कोई भी चेन कड़ी के अंदर बच नहीं पाए। बिल्कुल, इसमें सभी DCPs को डाउन द लाइन सभी SHOs को निर्देशित कर दिया गया, इस संबंध में इतला मिलते ही प्रभावी कार्रवाई करें। चारों ओर IPL का सीज़न चल रहा है और इसी के साथ साथ क्रिकेट के दीवानों में एक अलग ही IPL फीवर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही गेमिंग साइट्स के नाम पर अलग अलग कंपनीज खड़ी हो गई है जो कि खुलकर सट्टा खिलवा रही है, हवाले का काम कर रही है। हमारी पिछली खबर में जिस तरीके से हमने एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें दिखाया था कि किस तरह से दुबई से जयपुर तक का डायरेक्ट कनेक्शन है इन हवाला कारोबारियों का, सट्टा कारोबारियों का, उसको देखने के बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट सक्रिय हो गया है और अब जल्द ही इन फर्जी धोखाधड़ी करने वाले सटोरियों और हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई हो सकेगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ आसिफ खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।